हाई, आई एम सुमति सिंह एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। बीइंग एन एक्टर मेरे लिए वो, मैंने इतने दिन से इस पे बात इसीलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था कि मेरे ऐसी बाल नहीं, यहाँ से मेरी विग लगी हुई है। कहते हैं ना कि जब आप बुरे टाइम से गुजरते हो तो ऊपर वाला आपको खुद ही हिम्मत दे देता है लड़ने की। क्योंकि मेरे दिमाग में बस एक ही डर था कि क्या ये फिर से वैसा हो जाएगा या नहीं। डॉक्टर टोल्ड मी कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, अब सर्जरी ही ऑप्शन है। सीमेंट की सीले होते हैं जिससे चीज़ें बनती हैं, मैं उस पर गिर गई और मेरा ये पूरा पोर्शन डैमेज हो गया था, ये पूरा टूट गया था एंड दिस बोन इट जस्ट केम आउट। तो वो काफ़ी डिप्रेसिंग था। पीपल जस्ट कम टू यू एंड से सिंपैथी वाली चीज़ें देते हैं जो मुझे पसंद नहीं। आई थिंक इट हैपेंड इन 2001। इट इज़ द बेस्ट मेकअप टू यूज फॉर 12-15 आवर्स टू लुक प्रिटी। मेकअप स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू यू नो प्रेप योर स्किन। वन ऑफ आवर फैमिली मेंबर वो है जेल में, हाय माय नेम इज सुमति सिंह और आज मैं फिल्मी बीट के साथ कर रही हूँ एक मेकअप सेगमेंट। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मेरे पाउच में क्या क्या है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ तो बहुत टाइम लगा सीखने में, बट आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब। बट ऐसा क्यों, आप खुद से? खुद से इसलिए क्योंकि मुझे बहुत लाइट बेस चाहिए होता है, बहुत बहुत ही कहते हैं मेकअप नो मेकअप लुक चाहिए होता है। और टीवी, आप जैसा जानते होंगे टीवी पे कुछ ज़्यादा ही मेकअप, कुछ ज़्यादा ही बेस एंड ऑल दैट। सो फॉर मी इट वाज लाइक नहीं, मुझे ऐसा करना है। और यूट्यूब से सीख सीख के आई स्टार्टेड डूइंग माई ओन मेकअप एंड आई थिंक आई एम प्रीटी गुड एट दैट। सो सबसे पहले मैं ये कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ, ठीक है, टू हाइड माई डार्क सर्कल्स और पिम्पल्स एंड ऑल द फेस पे जितने भी पिम्पल्स मार्क्स एंड ऑल दैट, ये सबसे पहले यूज़ करती हूँ। उसके बाद करेक्ट वो तो है, हो ही जाता है, स्पेशली आपकी डाइट, फिर इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है उसके कारण भी बहुत पिम्पल्स आते हैं, बहुत डार्क सर्कल्स आते हैं। टेस्ट मुझे ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है बट हाँ मेरे को पिम्पल्स काफ़ी आते हैं तो उसके लिए है ये, तो उसके लिए मैं ये कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ। देन वेलकम टू बेस। बेस आई यूज़ दिस स्मॉल, ये मैंने उधार लिया हुआ है अपने मेकअप दादा से, तो आप देखोगे ये छोटी सी डिब्बी में मैंने डाल रखी है ये चीज़। तो ये एक क्रायलॉन बेस है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है जब हम टीवी में काम कर रहे हैं और लॉन्ग टाइम के लिए, ड्रामा मेकअप्स का नाम ही ड्रामा मेकअप है, सो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट मेकअप टू यूज़ फॉर 12-15 आवर्स जो हमारा शूट रहता है। एंड ये क्रायलॉन, ये मेरा बेस होता है, मैं बहुत नॉर्मल बेस लगाती हूँ तो ये बेस है और ये बेस मेरा काफ़ी चल जाता है, आई थिंक 2-3 महीने तो आराम से चल जाता है क्योंकि मैं अपने फेस पे बहुत कम बेस लगाती हूँ। तो ये रहा। इसके अलावा देन येस नॉर्मल ये पाउडर, ये भी, ये सारी चीज़ें मैंने उधार ले रखी है अपने मेकअप दादा से बिकॉज वो लोग प्रोवाइड करते हैं। ऑफकोर्स अगर आर्टिस्ट खुद से मेकअप करना चाहे तो वो सब प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक पाउडर है, आई थिंक इट्स अ मैजिकल पाउडर, इसको बेकिंग पाउडर कहते हैं, जो आप अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए यहाँ दिस एरिया, नोज एरिया, फोरहेड, इन सारी चीज़ों पे लगाते हैं सो दैट आपके फेस को थोड़ा हाईलाइट मिले, थोड़ा फीचर्स आपके शार्प दिखें, है ना। एंड स्पेशली आई हैव अ वेरी राउंड फेस, गोलू मोलू वाला फेस, तो मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है। फिर कटिंग भी मैं इसी से देती हूँ, इसमें जो डार्क कलर आप देख रहे हो कटिंग के लिए, आई यूज़ दैट डार्क कलर फॉर कटिंग, जैसे कॉन्टोर कहते हैं तो नोज़ कॉन्टोरिंग एंड देन चीक एंड दिस जॉ लाइन, इन सबको कॉन्टोर करके टू लुक प्रिटी। एंड देन आई शेडो, अभी जो हम लोग सीन कर रहे हैं वो ये सीन है कि हमारे फैमिली मेंबर, वन ऑफ आवर फैमिली मेंबर वो है जेल में मेरे कारण, बट मैं गिल्टी हूँ और मैं हेल्प कर रही हूँ उनको बाहर निकलने के लिए भी। तो बहुत ही लाइट मेकअप हम लोग को करने को बोला गया था क्योंकि कहते हैं ना सैड सीन है तो आपको सैड थोड़ा लुक करना पड़ता है, फंक्शन है तो थोड़ा हैवी लुक। तो अभी आप जो मेरा मेकअप देख रहे होंगे काफ़ी सिंपल, काफ़ी सैड जैसा है, तो इसके लिए बस यही ये वाला आई शेडो मैंने यूज़ किया बिकॉज इसमें ज़्यादा न्यूड कलर्स हैं। तो ये रहा। एंड देन फॉर माय आईब्रोज आई यूज सिंपल मिस्क्लाक, आई लव दिस, आई थिंक ये सिंपल अपना काम कर देता है, सिंपल नॉर्मल बजट में अच्छा काम। तो ये
हाँ, मैं भूल गई ये बताना कि मेकअप स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू यू नो प्रेप योर स्किन. सो फॉर दैट व्हाट आई डू इज आई सबसे पहले सनस्क्रीन लोशन ये, उसके बाद आई मॉइस्चराइज माय स्किन सिटाफिल, और फिर एक प्राइमर है, आई कैन नॉट फाइंड माय प्राइमर, तो एक प्राइमर लगाती हूँ और उसके ऊपर देन आई स्टार्ट डूइंग बेस एंड मेकअप. और तो ये फाइनल है. बाल तो आप देख रहे होगे सिंपल ही रहता है, बट ये मेरे असली बाल नहीं, यहाँ से मेरी विग लगी हुई है. और क्या है मेरे पाउच में, ये बिंदी है, प्यारी सी बिंदी जो मेरे लुक में जाता है, तो ये बिंदी लगाती हूँ. देन ये भी है, ये पाउडर कॉन्टोर है. कभी कभी जैसे हैवी लुक करना हुआ तो फिर दिस पाउडर कॉन्टोर ये हेल्प करती है. देन आई हैव दिस के ब्यूटी का वन सेटलिंग पाउडर, ये भी जब हैवी लुक करना होता है तब ये यूज़ करती हूँ. तो सारी चीज़ें हैं हमारे पाउच में. और अगर कभी फंक्शन का लुक हुआ तो आई गो फॉर बॉबी ब्राउन, तो ये करती हूँ. तो ये सारी चीज़ें हैं. आई ऑल्सो लव दिस मश्कारा, वाटर प्रूफ मश्कारा. जब भी रोने का सीन होता है तो बेस्ट है, आप सुंदर भी लगते हो और ये बाहर भी नहीं, वॉश आउट भी नहीं होता है. ठीक है, सो एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू टेल? ओके, बीच में काफ़ी न्यूज़ भी आई थी कि आपको चोट आई थी फेस पे, सर्जरी हुई है, उसके बारे में कुछ बताएं. हाँ, सो एक्चुअली इसके बारे में अभी मैंने बात करना शुरू किया है, इसीलिए ये इतना पब्लिकली बाहर आया है. काफ़ी आई थिंक इट हैपेंड इन 2001, जब सेकेंड वेव कोविड का आया था तब. और बीइंग एन एक्टर मेरे लिए वो, मैंने इतने दिन से इस पर बात इसीलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था कि बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि अरे अरे ये तो बस कहानियाँ बना रही है, अरे इसे तो सर्जरी करानी होगी, यू नो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. फिर कास्टिंग वाले लोग भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन सम टाइम पीपल जस्ट कम टू यू एंड से सिंपैथी वाली चीज़ें देते हैं जो मुझे पसंद नहीं. तो मुझे ऐसा था कि ठीक है अभी सही टाइम नहीं इसके बारे में बात करने का. और मैं भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी उसके बाद, तो इट टुक मी अ वाइल टू कम आउट एंड कि फील की ठीक है, सो ओके था, एक फेस चला गया. एक्चुअली वाइल रनिंग, रात को शूट से वापस लौटने के बाद मैं अपने सोसाइटी के बैक रोड पे गई थी रनिंग करने, और वो मेरा डेली रूटीन था. एंड जब से मैं बॉम्बे आई हूँ या उससे पहले भी ये मेरा रूटीन होता था कि या तो अर्ली मॉर्निंग एंड इफ़ नॉट देन रात को आई गो फॉर रनिंग और वॉक और समथिंग लाइक दैट. पर उस दिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं ट्रिप कर गई, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें रखी हुई थी, वो सीमेंट की सीले होते हैं जिससे चीज़ें बनती हैं, मैं उस पर गिर गई एंड आई फेल ऑन माय फेस. और मेरा ये पूरा पोर्शन डैमेज हो गया था, ये पूरा टूट गया था एंड दिस बोन इट जस्ट केम आउट. एंड आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज विथ मी एंड मैं ऐसे गिरी और उसने बोला अरे यार तू गिर गई यार उठना, वेरी कैजुअली, उसे नहीं पता. और जब मैं उठी आई वॉज ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग, सो शी पैनिक, डर डर अभी क्या करूँ क्या करूँ. सो एट दैट पॉइंट मुझे इतना पता था कि अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है, लाइक मुझे हॉस्पिटल लेके चल बिकॉज आई थिंक समथिंग हैपेंड, आई थिंक आई हैव ब्रोक माई नोज समथिंग लाइक. तो फिर फटाक से हम इमरजेंसी में गए, फिर डॉक्टर ने बोला इसके लिए तो सर्जरी होगी. तो फिर हाँ आई वेंट टू सर्जरी. सर्जरी के काफ़ी टाइम तक मेरा फेस थोड़ा, ये पूरा पोर्शन ऐसा स्वेल हो रहता था जो अभी जैसे मैं दिख रही हूँ, यू नो आपको पता होता है आप कैसे दिखते हो, सडनली आप थोड़े डिफरेंट दिखने लगते हो. तो वो काफ़ी डिप्रेसिंग था. इट टुक मी आई थिंक 6 to 8 months टू मेक, मतलब टू बिलीव कि ओके फाइन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी. एवरी मंथ आई यूज टू विजिट माई डॉक्टर, डॉक्टर लाइक ये स्वेलिंग चली जाएगी, थोड़ा टाइम दो थोड़ा टाइम दो. सो ठीक है, बट आई एम ग्रेटफुल कि आई एम फाइन. Yes. जब आप एक एक्टर होते हैं और आपके साथ ये चीज हो जाती है, so जैसे कि आपने भी वो वर्ड यूज किया कि ये बहुत डिप्रेसिंग था आपके लिए, so वो फेस कैसा था, मतलब आप डिप्रेस फील करते थे या फिर आप खुद कैसे आप खुद को मोटिवेट करते थे, क्या होता था? इनिशियली जब मैं जैसे मैं रात को गिरी थी, इट वॉज अराउंड 11:30 मैं हॉस्पिटल गई. फिर जब हॉस्पिटल से मैं घर आई, डॉक्टर टोल्ड मी कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, अब सर्जरी ही ऑप्शन है, सो आप थोड़ा टाइम दो बिकॉज मेरा फुल फेस स्वेल हो गया था ये पोर्शन, बोले स्वेलिंग कम हो जाएगी तब हम सर्जरी करेंगे. सो एवरी मॉर्निंग व्हेन आई यूज टू गेट अप, एक तो पेनफुल था, सेकेंडली जब आप जाते हो अपने आप को मिरर में देखते हो
बीइंग एन एक्टर आप हमें तो बहुत यूज्ड टू होता है हम लोग मिरर को देखने के, सुबह उठ के मिरर देख रहे हैं, स्किन क्या है, पिंपल्स तो नहीं है, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ. इट यूज़ टू डिप्रेस मी अ लॉट, क्योंकि मेरे दिमाग में बस एक ही डर था कि क्या ये फिर से वैसा हो जाएगा या नहीं, बिकॉज माई इंटायर करियर डिपेंड्स ऑन माई फेस. और मेरे लिए वो सबसे टफ टाइम था. बट कहते हैं ना कि इफ़ यू बिलीव इन यूनिवर्स, आई बिलीव इन गॉड, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. आई न्यू कि ये हुआ है, एक फेज है, निकल जाएगा, आई जस्ट नीड टू बी स्ट्रॉन्ग. माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव. कोविड का टाइम था तो मेरे मम्मी पापा नहीं आ पाए थे बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि वो हॉस्पिटल आए जाए, दे आर डायबिटिक, एस्थमा, एंड इन सब प्रॉब्लम्स ऐसे हैं. तो मेरा भाई था, माई क्लोज फ्रेंड्स जिन्होंने उस टाइम पे भी, दो तीन मेरे फ्रेंड्स जो वहीं पे रहते थे मेरे साथ, हॉस्पिटल लेके जाना, मुझे लेके आना, तो वो सारी चीज़ें एक हिम्मत देती थी कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं निकल जाऊँगी इस फेज से, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी. एंड देन लास्ट में व्हेन आई वेंट टू कोकिला वेन, और वहाँ जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी, उन्होंने मुझे 99% ये बोला कि आप एक्चुअली फ़ोटो देनी पड़ती है आपको कि मैं पहले ऐसी दिखती थी. तो उन्होंने वो फ़ोटो देख के मुझे बोला कि मैं 99% ये कहता हूँ कि मैं पूरी तरीके से आपको ठीक कर दूँगा, यू जस्ट नीड टू बी स्ट्रॉन्ग. सो वो सारी चीज़ें एक होता है ना, एक बिल्डअप हो गई कि चलो यार मैं ठीक हो जाऊँगा बस. और आपको कहते हैं ना कि जब आप बुरे टाइम से गुजरते हो तो ऊपर वाला आपको खुद ही हिम्मत दे देता है लड़ने की, तो बस. और ऐसा हुआ भी, वो फेस चला गया और 99%. हाँ, आई थिंक 100% इज एग्जैक्टली वॉट आई यूज टू लुक बिफोर, एग्जैक्टली आई एम सेम. सो शायद मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और ऊपर वाले ने थोड़ी रहम की हम पे, तो हम वापस आ गए ठीक से. हाय, थैंक यू सो मच. अगर आप लोग हमारा शो फॉलो कर रहे हैं, और हमारे शो को ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गए हैं, हमने 300 एपिसोड पूरे कर लिए हैं. सो थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल. आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना ये नहीं होता. एंड थैंक यू गाइज फॉर कमिंग टूडे एंड डूइंग दिस सेगमेंट विथ मी, एंड थैंक यू सो मच.